उमेश पटेल छत्तीसगढ़ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, खरसिया विधानसभा सीट से विधायक। उमेश पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, जिनकी झीरम घाटी हमले में नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। नंद कुमार पटेल खरसिया विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे। उनकी मौत के बाद 2013 में उनके बेटे उमेश पटेल ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और इसके बाद 2018 में भी इसी सीट से जीत दर्ज की। नौकरशाह से नेता बने ओपी चौधरी को उमेश ने मात दी। उमेश की उनके क्षेत्र में मौजूदा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए दसूत्र ने किया सर्वे और क्षेत्र के बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ पत्रकारों से पूछे 9 सवाल। सवाल नंबर 1, मंत्री की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है? इस सवाल के जवाब में 37% लोगों ने कहा बेहद सक्रिय रहे। सवाल नंबर 2, मंत्री बनने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं? तो 37% लोग बोले बिल्कुल नहीं बदला। सवाल नंबर 3, क्या मंत्री के साथ किसी तरह के विवाद भी जुड़े हैं? 68% लोगों ने बोला विवादित छवि नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या मंत्री ने अपने क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात दी? 32% लोगों ने कहा विकास ठीक ठाक हुआ है। सवाल नंबर 5, क्षेत्र में मंत्री की छवि कैसी है? इसके जवाब में 37% लोगों ने कहा मंत्री की छवि ठीक है। सवाल नंबर 6, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने में मंत्री कितने सफल रहे? इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा ज्यादा काम नहीं हुआ। सवाल नंबर 7, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मंत्री कितने कामयाब रहे? 42% लोग बोले लोग परेशान, लाभ नहीं मिला। सवाल नंबर 8, सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गुरवा घुरवा बारी में मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा है? तो 37% लोगों ने कहा सामान्य काम ही हुआ है। और सवाल नंबर 9, क्या मंत्री जी अपनी सीट बचा पाएंगे? तो इसके जवाब में 68% लोगों का कहना है हाँ बचा लें। यानी उमेश पटेल की सक्रियता और छवि क्षेत्र में ठीक है, लेकिन विकास के मामले में उमेश थोड़े पीछे नजर आते हैं। बहरहाल ये विश्लेषण मौजूदा हालातों को लेकर है। चुनाव में अभी काफी वक्त है, इसलिए स्थितियां बदल भी सकती हैं और ना भी बदलें।